गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी बज रहा है 6:30। मैं जस्ट अभी नींद से जगी हूँ। दो तीन दिन से मुझे बहुत तेज़ बुखार, उसके साथ साथ काफ, वॉमिटिंग, ये सब कुछ हो रहा था, तो इस रीज़न से मैं कुछ वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। अभी भी मेरा गला ख़राब ही है। अभी सीज़न चेंज हो रहा है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो चलो अपने ब्लॉग में चलती हूँ। मैं फ़्रेश होके अभी पढ़ने बैठी हूँ। अभी मैं पढ़ूँगी मस्क्यूलर स्केलेटल सिस्टम। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरीज़ रहता है तो फिर आप लोग मुझे गूगल चैट में मैसेज कर सकते हो। गूगल चैट व्हाट्सएप की तरह ही है, क्योंकि मेरे लिए नंबर देना तो पॉसिबल नहीं है। और मैं गूगल चैट में एक ग्रुप ओपन किया है नॉर्सेट 2023 करके। अगर आप लोग चाहते हो उस ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट में सेंड कर देना, मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी। वहाँ पे हम लोग जो क्वेरीज़ है, मेरा क्वेरीज़, आप लोगों का क्वेरीज़ मिलके सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप लोगों का जीमेल अकाउंट आप लोग कमेंट में पोस्ट कर देना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्सेट के लिए तीन बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जैसे कि एनक्लेक्स, उसके साथ साथ टारगेट हाई और पीआर यादव। नॉर्सेट में 20% क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो एनक्लेक्स बेस्ट होता है, उसके लिए आपको एनक्लेक्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करनी पड़ेगी। एनक्लेक्स में थ्योरी भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। एनक्लेक्स सोंदर्स का है और मौसबी का है, तो दोनों ही बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि एनक्लेक्स से थ्योरी करनी है तो फिर आप लोग वहीं से कर सकते हो। उसके अलावा मैं पीआर यादव के बारे में बताना चाहती हूँ। पीआर यादव का दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू। वॉल्यूम वन में आपको थ्योरी पोर्शन मिल जाएगा, उसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च, उसका क्वेश्चन मिल जाता है। उसके साथ साथ आपका जो वॉल्यूम टू है उसमें और बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो सब कुछ मिल जाता है। पीआर यादव में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे कि डीएसएसबी, ईएसआईसी, आरआरबी, नॉट सेट, एमएससी का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। तो फिर थ्योरी पढ़ने के बाद जो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करनी रहती है वो आप लोग पीआर यादव से सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को पीआर यादव की क्वेश्चन सॉल्व करनी ही चाहिए, क्योंकि इस बुक में पहले आपको इजी क्वेश्चन मिल जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तो हाँ, पीआर यादव करनी ही चाहिए सॉल्व। नॉर्सेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन 4 या 5 आप लोगों को देखने को मिल जाता है हर शिफ्ट में। तो मैं अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी बज रहा है 8:40, मुझे अभी भूख लगने लगा, तो फिर चलो ब्रेकफास्ट बना के कुछ खाती हूँ, उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट के लिए पढ़ने बैठूँगी। और मेरा आज इवनिंग ड्यूटी भी है, तो फिर मुझे आज 1 बजे तो निकलना है। तो चलो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आज मैं पोहा बनाया है, तो चलो इसको खा लेती हूँ। अभी बज रहा है 9:30, मैं अभी क्लास करूँगी। तो चलो मैं क्लास करती हूँ, उसके साथ साथ मैं टारगेट हाई के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास टारगेट हाई का 5th एडिशन है, अभी तो शायद नया एडिशन भी आ गया है। टारगेट हाई में सबसे ज़्यादा तो अच्छा बात है वो है उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि और कोई दूसरा बुक में आपको इतना अच्छा इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा जितना टारगेट हाई में दिया हुआ है। उसके साथ साथ टारगेट हाई में जो पहले वाला पोर्शन है वहाँ पे आप लोगों को की नोट मिल जाता है, जैसा कि शॉर्ट नोट्स होता है ना, वही शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाता है।
जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंट डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट साइन क्या है, ये सब कुछ, ब्लड का वैल्यूज़, कलर कोड, उसके साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट का शॉर्ट नोट्स, उसके साथ आपको मिल जाता है वैक्सीनेशंस, पोजीशंस ऑफ द फीटस, लियोपोल्ड मैनुअल और ट्राइड सिस्टम, ड्रग, एंटीडॉट, ब्लड ग्रुप्स, फोवियर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। उसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट में उसका थ्योरी पोर्शन है, हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज आपको थ्योरी मिल जाता है और चैप्टर के बाद आपको की पॉइंट्स मिल जाता है। उसके साथ साथ हर चैप्टर के पीछे उस चैप्टर का एमसीक्यूज भी मिल जाता है, तो फिर ये भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद पीछे वाला पोर्शन में आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, जैसे कि GMCAs, RRB, NORSET, NEMANS, JIPMER, सफदरजन, ESIC, SGPGI, इसका भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो फिर आप लोग टारगेट हाई भी फॉलो कर सकते हो। अगर कोई मुझे पूछे कि कौन सी बुक पढ़नी बेस्ट है, ये तीनों बुक ही अपने अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले एक बुक पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बुक एक साथ फॉलो करने लगोगे तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो फिर इसलिए मैं अभी थ्योरी के साथ साथ पीआर यादव सॉल्व कर रही हूँ। पीआर यादव हो जाने के बाद मैं टारगेट हाई पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो पहले एक ही बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक ही सोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस आने लगेगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एक साथ अगर सब बुक फॉलो करने लगोगे तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मेरे साथ होता है। तो फिर चलो, आप लोगों से बातें करते करते अभी 11:30 बज रहा है, तो अभी मुझे लंच भी बनाना है, ड्यूटी के लिए रेडी भी होना है। चलो मैं ये सब कुछ करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आज लंच में मैंने दाल, उसके साथ साथ सोयाबीन की सब्ज़ी और राइस बनाए हैं। मैं एक साथ बहुत सारी सब्ज़ी बना के फ्रिज में रख दूंगी, 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगा, क्योंकि अभी ड्यूटी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अभी बच रहा है 1, मैं ड्यूटी के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। तो चलो फिर ड्यूटी जाती हूँ मैं। तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।